महिला आरक्षण बिल को लेकर ऐतिहासिक फैसला लिया गया है, क्या कुछ राय है इस वक्त आम महिलाओं की? हम लोग बात करते हैं, हमारे साथ कई सारी स्टूडेंट्स हैं, हम लोग उनसे एक एक करके कमेंट लेते हैं कि आखिर उनके मन में नए बिल को लेकर क्या कुछ सवाल चल रहे हैं और वो क्या कहना चाहती हैं। सबसे पहले आपका नाम? प्रिया। प्रिया, आप क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ लेडी अर्विन कॉलेज में, BSc होम साइंस। जैसे कि आपको भी जानकारी होगी कि बीते दिन महिला आरक्षण बिल को लेकर जो लोकसभा है उसमें चर्चा, उसमें कहीं ना कहीं पास हुआ है, हमने देखा है, आज भी उसको लेकर चर्चा होगी। आपके मन में क्या कोई सवाल है या कुछ और कहना चाहते हैं आप? आरक्षण महिलाओं के लिए होना चाहिए, पर ये आरक्षण सवाल ही क्यों उठता है? पहले से ही महिलाओं को इक्वालिटी देनी चाहिए, उन्हें सशक्त करना चाहिए ताकि आरक्षण जैसा सवाल ही ना उठे। जो मेल डोमिनेंट है उन्हें ये समझना चाहिए कि फीमेल को भी इक्वालिटी का पूरा राइट है, उन्हें भी पूरा हक है। अब आरक्षण मिलेगा तो वो लोग सवाल भी उठाएंगे कि उन्हें क्यों आरक्षण, बस जैसे फ्री की है तो वहाँ पे उनके इतने सवाल उठ जाते कि उन्हें क्यों, हम क्यों नहीं। तो इस पर मेल डोमिनेंट आवाज़ उठाएगा ही उठाएगा। तो यानी आपको कहीं ना कहीं ये बात अच्छी नहीं लग रही कि आपके ऊपर सवाल उठाया जाएगा या महिलाओं के ऊपर सवाल उठाया जाएगा? जी, आपका क्या कहना है, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सेजल है और मैं यहीं पे स्टूडेंट हूँ लेडी इवन कॉलेज में। और मुझे ये लगता है कि आरक्षण किया गया है तो ये अच्छी बात है कि आरक्षण दिया गया है, और आगे भी हर चीज़ में महिलाओं को आगे करना ही चाहिए, क्योंकि हम देख भी रहे हैं हर चीज़ में महिलाएं आगे आ रही हैं और आगे आना भी चाहिए। और ये भारत के द्वारा ये किया गया है कि उनको आगे मौका मिले, तो ये अच्छी बात है कि आगे किया है। तो जी, जिस तरह से कल ये कहीं ना कहीं सामने आया है कि 33% आरक्षण महिलाओं को दिया जाएगा, जो उनका रिप्रेजेंटेशन है वो संसद में बढ़ता हुआ नज़र आएगा, लोकसभा राज्यसभा दोनों में जो मिलाकर प्रतिशत है वो बढ़ा दिया जाएगा। लगता है कि जब विमेन रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा तो उसका असर जो राजनीति है उसमें कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, राजनीति के साथ इकोनॉमी पे भी मिलेगा, क्योंकि महिलाएं जो होती हैं आजकल आप देख रहे हैं कि पायलट और बहुत कुछ कर रही है महिलाएं, इनफैक्ट लड़कों से अच्छा कर रही है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि लड़कियों को उनके पॉइंट्स, मतलब वो खड़े हो सकते हैं अपने लिए, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो उनका कहना है कि इकोनॉमी पर भी असर देखने को मिलेगा। आपका क्या कहना है, आपका नाम? एकता। क्या कहना है आपका? क्या बोलूं मुझे, कुछ और स्टूडेंट्स हैं, हम लोग उनसे भी बात कर लेते हैं। आप लोगों का क्या कहना है, जिस तरीके से ये बताया जा रहा है कि 33% जो है आरक्षण महिलाओं को दिया जाएगा, अब आपके ही फ्रेंड्स हैं उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं इक्वालिटी पर सवाल उठाया जाएगा, आपका क्या कहना है? आई एम एग्री विद हर कि इक्वालिटी में तो सवाल उठेगा, क्योंकि मेल डोमिनेंट वो हमें और करेंगी कि ऑलरेडी मेट्रो में भी हमें फर्स्ट डब्बा मिल रहा है, सीट्स मेट्रो में भी मिल रही है, और ऊपर से ये लो भी आ गया है, तो शायद उनको और थोड़ा वो हमें और डोमिनेट करेंगी, सब कुछ महिलाओं के लिए हो रहा है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि ये ज़रूरी है। और SC OBC उनके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है, उनकी भी जो लेडीज़ है। क्यों ज़रूरी है आपको लगता है? क्योंकि आज भी इक्वल राइट्स नहीं मिलते फीमेल को एज़ कम्पेयर टू मेल, दैट्स वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। लगता है कि आरक्षण से जो पिछला ऐसा एक पूरा इतिहास रहा है कि जहां बराबर की हिस्सेदारी नहीं मिली है, उसमें अब मदद मिल पाएगी? कोशिश तो हो गई है, शुरुआत तो हो गई है हमें मदद मिलने की, लेकिन मेरा सवाल बस ये है कि अभी भी हमको आरक्षण की ज़रूरत क्यों लगी पड़ी है? हम लोग ऑलरेडी, जैसे मेल्स को तो आरक्षण की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, तो फीमेल्स को क्यों पड़ रही है आरक्षण की ज़रूरत? वो ऑलरेडी उसमें उनका भागीदारी क्यों नहीं है, उनका सहयोग क्यों नहीं है उसमें? क्या लगता है आपको कि क्यों ज़रूरत पड़ रही है? ज़रूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि क्वालिटी नहीं है ना, तो बस वही है। तो देखिए, कहीं ना कहीं इक्वालिटी की बात भी हो रही है, समानता की बात भी हो रही है, लेकिन जैसा कि कई सारी लड़कियों से हमने बात करी, उनका ये कहना है कि आरक्षण से सीधे तौर पर जो प्रतिनिधित्व बढ़ेगा उससे भारत की राजनीति का चेहरा बदला हुआ नज़र आएगा, राजनीति के साथ में अर्थव्यवस्था का भी चेहरा बदला हुआ नज़र आएगा, जो संभावना है वो काफ़ी पॉजिटिव नज़र आएगी। कैमरा पर्सन राजेश के साथ जातिका सिंह, ABP News, दिल्ली।